हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ऑन डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आप अपने सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में अगर बैंक अकाउंट अपडेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में बैंक अकाउंट कैसे अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए गूगल क्रोम को ओपन कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर सर्च कर सकते हैं register.cse.gov.in। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो यहीं से दोस्तों आपको लॉगिन करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें से दोस्तों आपको आना होगा माय अकाउंट के ऑप्शन में। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिएगा और साथ ही आप अपना मोर्फो या फिर आपका मंत्रा, जो भी आपका बायोमेट्रिक डिवाइस है, उसे कनेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इस वेबसाइट पे आने के बाद माय अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। लॉग इन टू योर अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अपना सीएससी आईडी और पासवर्ड जो भी है जिससे आप लॉग इन करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले ऊपर में सीएससी आईडी फिंगरप्रिंट को सेलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपको देखने को मिल रहा है उस कैप्चा कोड को टाइप कीजिएगा और इस बॉक्स पे क्लिक करके नीचे सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारा चीज़ फिल कर लिया है। इस बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस होगा, हमारा जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस है वो फैच करेगा। यहाँ पे सक्सेसफुली फैच हो जाने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे दोस्तों आपको एक बॉक्स दिख रहा है, उस बॉक्स पे क्लिक करना होगा और फिंगरप्रिंट को ऑटोमेटिक सेलेक्टेड रहेगा और यहाँ पे हमारा जो बायोमेट्रिक है उसे देना होगा। तो आप देख सकते हैं फैच कर लिया है, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिंगरप्रिंट पे रहेगा, उसके बाद स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपका जो डिवाइस है, जो बायोमेट्रिक डिवाइस है, उसमें लाइट आएगा, फिर आपको अपना फिंगर देना है। फिंगर सक्सेसफुली आपका वेरीफाई हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं आपका पूरा प्रोफाइल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको फर्स्ट में प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको केवाईसी अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आप सिंपली दोस्तों क्या करेंगे, केवाईसी अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। केवाईसी अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर केवाईसी अपडेट में बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जैसे कम्युनिकेशन अपडेट में, कम्युनिकेशन डिटेल में दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट में आप अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल में नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं बैंकिंग डिटेल लिखा हुआ है, तो बैंकिंग डिटेल पर आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट और साथ ही पैन कार्ड डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर में आपका पूरा डिटेल रहेगा, जो कि मैंने ब्लर करके रखा है, तो आप अपने आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अकाउंट होल्डर नेम टाइप कीजिएगा, उसके बाद आईएफएससी कोड टाइप कीजिएगा, आपका जो भी बैंक अकाउंट अपडेट कर रहे हैं वो बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड इंटर कीजिएगा, अकाउंट नंबर इंटर कीजिएगा, अकाउंट का टाइप सेलेक्ट कीजिएगा कि करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है। तो आप यहां पे करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ब्राउजर में क्लिक करके आपको चेकबुक या फिर आपका बैंक पासबुक या फिर स्टेटमेंट आपको यहां से अपलोड कर देना है और यहां पे पैन टाइप में दोस्तों आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। अगर आपका बिजनेस पैन कार्ड है तो आप कंपनी जो भी आप चलाते हैं उसका यहाँ पर कंपनी में सेलेक्ट कर सकते हैं, मुझे यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों पैन नंबर इंटर करके वेरीफाई करके अपडेट कर दीजिएगा। जैसे अपडेट कीजिएगा तो दोस्तों आपका बैंक अकाउंट जो है आपके सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में अपडेट हो जाएगा। इसे चेक करने के लिए आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन कीजिएगा, प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद नीचे आप देख पाएंगे माय प्रोफाइल का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगा। बैंक डिटेल पे क्लिक करके दोस्तों आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल जो भी अपडेट किए हुए हैं वो आपका दिखेगा। तो जैसे आपका यहाँ पर दिखने लगेगा आप समझिए कि आपका बैंक अकाउंट डिटेल आपके सीएससी वॉलेट से, मतलब आपके सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल से अपडेट हो चुका है। कुछ इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से डिजिटल सेवा पोर्टल में आप अपना बैंक अकाउंट अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप जरूर जुड़िए। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।